सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मेहू मॉम एंड वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये रात का समय है और देखिए मैं आपको अपना गुड़हल के का पौधा दिखा रही हूँ। इस बार इसमें बहुत सारे फ्लावर बर्ड्स आए हैं। देखो इतने सारे बर्ड्स हैं, गुच्छे गुच्छे में आए हैं, इतने सारे फूल खिलेंगे इस पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद मैं इन फूलों को देखने खिलता हुआ देखने के लिए ना यहाँ पर रहूँगी नहीं इस टाइम पर, क्योंकि ना मैं जा रही हूँ कहाँ, हम लोग गांव जा रहे हैं, तभी इतनी रात को मैं इनको इतना छेड़खानी कर रही हूँ। रात के कुछ 8:30 बज गए हैं और हमने कल सुबह निकलना है गांव के लिए, तो उसी चक्कर में ना देखो ये मिली एक बग लगी हुई थी तो क्लीन कर दी मैंने वहाँ से उसके ऊपर। तो इनको ना मैंने अपनी पीछे वाली बालकनी में शिफ्ट कर दिया है सारे प्लांट्स को, क्योंकि यहाँ पे धूप थोड़ा कम आती है। और मैं क्या करूँगी कि प्लांट्स को ना ये बालकनी में ना थोड़ा पानी, इन प्लांट्स को अच्छे से पानी भर के और इस बालकनी में थोड़ा पानी भर के चली जाऊँगी। तो मायका बीच में डिस्टर्ब कर रही, हाँ जाओ आप, तो नीचे मत जाओ मायका। तो मैं अभी ना गांव पहुंच गई हूँ और यहाँ से वीडियो एडिट कर रही हूँ ये वाला। तो ये देखिए अभी रात के 8:30 कुछ बज रहे हैं और मैं प्लांट्स को ना पानी दे के यहाँ पे इस बालकनी का पानी में भर दूँगी, ताकि ना कुछ दिनों तक उनके लिए सर्वाइवल रहे। फिर देखो बीच में फिर हम एक वीक के बाद तो नंदन आ ही जाएंगे, तो वो देख लेंगे इनको। तो एक हफ्ते का जुगाड़ मैं करके जा रही हूँ प्लांट्स के लिए, तो देखते हैं। मैंने पानी दे दिया है प्लांट्स को, अब मैं सिर्फ बालकनी फिल कर दूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता ना इन प्लांट्स की है जाने की। इवन मैं एक्साइटेड हूँ घर गांव जाने के लिए, बट सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है कि ये प्लांट्स कैसे रहेंगे मेरे। अभी देखिए कितने ग्रीन ग्रीन कितने अच्छे हो रहे हैं, पर लेकिन मैं आऊँगी तो शायद ये इतने ग्रीन ना रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही खराब मेरे इस बीच ना प्लांट्स बहुत ख़राब भी हो गए। जब मैंने शिफ्ट किया था ना तो उस टाइम काफ़ी गमले टूट गए, तो उस वजह से ख़राब भी हो गए। एक गमला आपको दिखा रही थी ना वो भी ख़राब हो गया, तो कई प्लांट मेरे ख़राब भी हुए, कई मैंने वहाँ छोड़ भी दिए। और अभी देखो कितने ये प्लांट्स जो हैं इतने अच्छे से हो गए हैं, सब कुछ मतलब सेटल हो गए थे इस घर में, और अब मुझे ना जा आना पड़ रहा है, तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ा। तो मैं इसी बात की मेरे को चिंता है। और ये मैंने मिंट बाद में लगाया, मतलब मैं मार्केट गई थी ना सब्जी लेने, तो वहाँ से मिंट लेके आई थी, तो वही मिंट मैंने ना यहाँ पे ग्रो कर दिया, तो अब अच्छे से चलने लग रहा है, मतलब अच्छे से ग्रो हो गया है। अब पता नहीं ये रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे आने तक। आई विश सभी प्लांट मुझे ऐसे अच्छे हंसते खेलते मिले जैसे ये मैं इनको छोड़ जा रही हूँ, पर लेकिन देखते हैं क्या होगा। जिनकी लाइफ आगे लिखी होगी ना और तो वो सर्वाइव करेंगे, और जिनकी लाइफ नहीं लिखी होगी तो उनका टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो ऐसा जैसे कुछ प्लांट्स मुझे छोड़ने पड़े। ये गुड़हल का प्लांट मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे लिए मेमोरेबल प्लांट है। मतलब पुरानी वाली बालकनी में मैं जब पुराने घर में जब मैंने वो घर लिया था और वहाँ शिफ्ट हुए थे जहाँ मैं पहले रहती थी, तो मैंने सबसे पहला फ्लावरिंग प्लांट यही लिया था। इवन सबसे पहला प्लांट ही ये लिया था, तो तब से ये मेरे पास है। ये एक तरह से मदर प्लांट है। इसके बाद इसके कई सारे प्लांट्स इससे और बनाए हैं, मतलब मम्मी ने भी बनाए, मम्मी के घर भी जो गुड़हल के प्लांट्स मैं दिखाती हूँ वो इसी के हैं, इसी के ही हैं, मतलब वो इसकी डॉटर्स हैं और ये मम्मा प्लांट है। तो ये इस वजह से मुझे ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल है। और पहला प्लांट होता है ना जैसे आपकी पहली गाड़ी, पहला घर, पहला प्लांट, पहला बेबी, वैसे ही ये मेरा पहला फ्लावरिंग प्लांट है। तो मेरे पास नहीं प्लास्टिक का पड़ा हुआ है, इसको मैं इधर शिफ्ट देखो मैंने घुसा दिया, थोड़ा सा शरारत करके जा रही हूँ फ्लैट्स में, पर इससे किसी को और को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली मुझे पता है, क्योंकि सारी जो ये बालकनी है ये टाइल्ड है, तो मुझे लगता किसी नीचे वाले को या किसी को प्रॉब्लम होगी। अब बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं यहाँ पे देखो उसको मैंने फिक्स कर दिया और मैं इसमें ना पानी भर दूँगी बालकनी में, थोड़ा ज़्यादा नहीं भर के जा रही हूँ क्योंकि क्या पता बारिश हो जाए और फिर उस वजह से, क्योंकि ये थोड़ा ये देखो थोड़ा सा मैंने भरा है ना पानी, तो इसी तरह से मैं इसको भर के चली जाऊँगी। ज़्यादा भर के नहीं जाऊँगी, थोड़ा बहुत मैं 2 बाल्टी पानी डाल के जाऊँगी, जिससे कि थोड़ा सा ना इसका, क्योंकि सबसे नीचे सबके नीचे ना ड्रेनेज होल बना हुआ है तो चल जाएंगे प्लांट। और ये मैंने मीशो से मंगाया है, ये वो है स्टैंड, मतलब वॉल माउंट होता है, पेस्ट होता है, ये मैंने वॉशरूम के लिए मंगाया, पर मैं इसको ये आज ही आया है तो मैं इसको ऐसे छोड़ के जा रही हूँ, आके देखूँगी। बाकी सब जगह देखो पैकिंग मेरी हो गई है सारी, क्योंकि कल सुबह हमको जल्दी निकलना है, तो बैग्स वगैरह सब पैक हैं। ये 3 बैग हैं, एक नंदन का लैपटॉप का, 4 बैग्स थे मेरे रेडी हो गए, तो हमें मॉर्निंग निकलना है जल्दी, इसलिए मैंने रात को सारी चीज़ें
फाइनल कर दिए हैं, फिट कर लिए हैं। और डिनर में जो है कुछ नहीं है, यही है, तो इसी को आज हम समेट लेंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और ना 5:30-6:15 का ऐसे टाइम हो रहा था जब मैं उठी थी, और देखिए कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है, बहुत ज़ोरों की बारिश। अब पहले बहुत आंधी तूफान चला और फिर इतनी ज़ोरों की बारिश हुई थी। ये देखिए मेरी वो प्लांट वाली बालकनी, यहाँ पे मेरे प्लांट रहते हैं तो ये बालकनी मैंने खाली कर दी है। बस एक वो जेड का प्लांट वहाँ रख के आई हूँ, तो उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती पानी की, वो तो चल जाता 2 हफ्ते तक भी बिना पानी के, तो इसलिए मैंने उसको वहाँ छोड़ दिया। और ये कुछ मैट्स वगैरह थे भीग गए तो मैं इनको अंदर कर रही हूँ, क्योंकि बारिश में आंधी तूफान भी थी ना चल रही, तो मुझे लगा कहीं उड़ ना जाए, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो मेरे प्लांटर थे वो भी मैंने ऐसे जो मतलब खाली प्लांटर थे सेरेमिक वाले वो यहीं छोड़ दिए। तो ये देखिए सुबह सुबह का टाइम और कितनी ज़ोरों की बारिश, बिजली भी कड़की, आंधी तूफान, इतनी ज़ोरों की बारिश हुई, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी कि क्या होता। हम लोग सब रेडी हो गए हैं निकलने के लिए और मेरे को कैब बुक करनी है बस निकलने के लिए, और इतनी ज़ोरों की बारिश हो गई। इस बारिश में ना कैब भी बुक नहीं हुई, बड़ी प्रॉब्लम हुई हमें घर आने में, क्योंकि जो हमने वॉल्वो बुक की थी ना वो भी कैंसिल हो गई। तो फिर हमें मतलब आनंद विहार जाके ना रोडवेज़ की बस लेनी पड़ी, क्योंकि जब एक बारी सोच ले निकलना है आज के दिन तो फिर निकलना है, तो फिर हमने अपना प्लान कैंसिल नहीं किया। और वो भी हमें ना ये मतलब एंड टाइम पर पता चला, एंड टाइम जब हम लोग निकल रहे थे बाहर तब पता चला कि वो वॉल्वो जो है उसका कुछ प्रॉब्लम हो गई, ख़राब हो गई बस, तो कैंसिल हो गई है। तो फिर हमको हमने सोचा अब निकल गए हैं तो अब निकल ही चलते हैं। और ये मॉर्निंग का टाइम, हम चाय ले पी रहे थे, मैं चाय पी रही थी और बस रेडी हो गई हूँ नहा धो के और हम बस निकल गए। बस वही वेट कर रही थी पर इतनी ज़ोर की बारिश हो गई, और ये कैब भी बुक कर ली। अब इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया हम लोग को, क्योंकि हमारी बस तो कैंसिल हो गई है, तब हमें वहाँ जाके पता चलेगा कि कैसी बस मिलेगी नहीं मिलेगी। और उस पर दूसरा ये कि मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो रही थी और हम लोग परेशान हो रहे थे, पर देखिए हमें फिर मिल गई रोडवेज़ की बस। और यहाँ से इस बस में हम हल्द्वानी तक जाएंगे, ये हल्द्वानी तक मिली है हमको, और उसके बाद फिर जो है हम आगे का सफ़र कैब से या टैक्सी से करेंगे। और यहाँ पे हमने टैक्सी कर ली है हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए। हम अल्मोड़ा जा रहे हैं, मेरा ससुराल अल्मोड़ा में है, तो पहले मैं ससुराल जाऊँगी। तो बस ये हल्द्वानी से हम लोग निकल रहे थे, ये हल्द्वानी है और यहाँ से जो है पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं हल्द्वानी के बाद काठगोदाम और उसके आगे फिर, तो वही है हम लोग जा रहे थे और टैक्सी कर ली थी। और इसी में ही फिर हम खा भी रहे थे, एक्चुअली काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि सुबह मौसम ख़राब हो गया था ना, इस वजह से सारा जो शेड्यूल था सारा आगे खिसक गया और थोड़ा लेट हो गया उसी वजह से। बस क्योंकि नहीं मिली तो फिर दूसरी बस थोड़ा लेट मिली, तो उस हिसाब से तो हमें थोड़ा सा लेट हो गया, तो उस वजह से हमें लंच का टाइम नहीं मिल पाया। तो हमने क्या वहीं पे हल्द्वानी में उडीपी है वहीं से लंच ले लिया था, पैक करा लिया था। और अब मैं और नंदन गाड़ी में पीछे बैठ के लंच कर रहे हैं, मायका ने मना कर दिया था लंच करने के लिए, तो मैं और नंदन कर रहे हैं लंच और फिर इसी तरह से कंटिन्यू चलेंगे। और मायका फिर जो है सो रही थी, तो नंदन मुझे बोला था कि तू मुझे ही शूट कर रही है खाते हुए, अपने को क्यों नहीं कर रही है। एक्चुअली वहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड हो गई थी, गाड़ी छोटी थी ना, इंडिका थी, तो उसमें क्या है पीछे हमको वही टैक्सी मिली और जो मिला ना हम लोग उसी वक्त उसमें चलना मुनासिब समझे। तो ये जो है मैंने कहा चलो लो, मैंने अपने आप को भी सूट कर लिया। और ये देखिए अब मैं घर आ गई हूँ, रात को थोड़ा सा मतलब पहुँच गए थे टाइम 6-7 o'clock के आसपास, 6:30-7 o'clock पहुँच गए थे इवनिंग में घर, और इतनी हालत ख़राब हुई थी ना मेरी उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। और मायका देखिए यहाँ बैठी हुई है, तो मैंने कहा चलो इस व्लॉग को भी एंड करेंगे यहीं पर ही, और मतलब बोला भी नहीं जा रहा कि मैं व्लॉग एंड कर दूँ, इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हुई गाड़ी में आगे रास्ते को, पहाड़ी जब स्टार्ट हो जाती है ना तो थोड़ा सा हो जाती है तबीयत ख़राब, वॉमिटिंग वगैरह, तो ऐसे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ये सारा ब्लॉग ना वॉइस ओवर में ही चले गया, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग जो है और इंटरेस्टिंग आएगा, क्योंकि हम जो काम करने आए हैं तो वो तो ज़रूर दिखाऊंगी आपको, अपने घर का और सारा। और यहाँ मैं भी कुछ दिनों रहूँगी, तो फिर चलिए मिलते हैं, बाय बाय।